हे गाइस, वेलकम टू रूप्स वर्ल्ड। और आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। बहुत बच्चों के एग्जाम्स चालू है, दिवाली से पहले जो एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर एग्जाम्स, कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जैसे नीट जीपैट सीटी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे टेंथ और ट्वेल्थ में हैं तो वो अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों को हमेशा टेंशन होता है उनके मार्क्स का, या फिर एग्जाम कैसे जाएगी, पढ़ाई होगी या नहीं, पढ़ाई टाइम पे कैसे मैनेज होगी, एग्जाम के वक्त अगर हम भूल गए तो आंसर याद नहीं आया, तो ये सारी टेंशन बच्चों को होती है, उससे होता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील करने के लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कैसे कम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगी जो पॉइंट्स फॉलो करने से आपका स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। तो नंबर वन इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। में ये है कि अगर हर चीज़ को पहला अटेंशन देना जरूरी नहीं है। अगर आपको दो तीन दिन में कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, इस वीक में आपकी कोई एग्जाम है, टेस्ट है, तो पहले आप प्रायोरिटी उसको दीजिए, ना कि जो चीज़ एक महीने बाद होने वाली है। जैसे कि एक महीने बाद आपका कोई प्रेजेंटेशन है और आप अभी से उसका टेंशन ले रहे हो तो मत लीजिए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचिए जो एक दो दिन में होने वाली है। मतलब अगर इस वीक में आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो उस पर ध्यान दीजिए, ना कि एक महीने बाद वाली प्रेजेंटेशन पे, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। पॉइंट है आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम यानी ना, कुछ बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, कुछ मॉर्निंग में पढ़ने वाले होते हैं, किसी को मॉर्निंग में ज़्यादा आंसर्स याद रहता है, तो किसी को इवनिंग में पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, कोई रात को जाकर एक एक दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ाई करता है, तब जाके उनको आंसर्स याद होते हैं, या फिर उनको पढ़ने का तभी मन करता है। तो ऐसा होता है ना कि दोपहर में पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो उस टाइम में आप कोई भी फेवरेट चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा टीवी देख सकते हैं, थोड़ा मोबाइल देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा एक दो घंटे की स्लीप ले सकते हैं, सो सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जो दोपहर का टाइम होता है, 95% बच्चों को ये टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो 50% बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं और 50% नाइट में पढ़ते हैं। आपको यही फाइंड आउट करना है कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, मॉर्निंग या फिर नाइट। अगर आपको नाइट में पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो आप फिक्स कर लो आपका टाइम टेबल और अपने सारी पढ़ाई आप नाइट को करेंगे। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज होगी और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज होगी तो आपका टाइम टेबल फॉलो होगा, और अगर आपका टाइम टेबल फॉलो होगा तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा होगी और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट है रीच आउट ऑफ गाइडेंस। सो जो भी आपके सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी कंसेप्ट से जो अनक्लियर रह गए हैं, वो कंसेप्ट दिमाग में अनक्लियर रहने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपको हमेशा टेंशन रहती है, अरे यार मुझे ये टॉपिक आता नहीं है तो मैं इसका आंसर लिखूंगी कैसे। आपका जो भी लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उससे जाके आप कंसल्ट कीजिए, आप उसे बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर वो आपके वो डाउट क्लियर करेगा। और एक बार आपका डाउट क्लियर हो गया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर आपका टेंशन रिड्यूस है। योगा एंड मेडिटेशन, हर रोज अगर बच्चे 10 मिनट भी योगा एंड मेडिटेशन करेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो भी आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस है। रिमूव नेगेटिव थॉट्स। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे ये लर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये एग्जाम में जरूर आएगा और मैं फेल हो जाऊंगी। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपका 90% पढ़ाई हो गया है ना, तो आप पॉजिटिव सोचो कि 90% में से कुछ भी आ सकता है तो मैं वो लिख सकती हूँ। आप क्यों 10% के पीछे आपके थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो? सोचिए कि मेरी एग्जाम अच्छी जाएगी, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगी वगैरह, वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए। एक बार नेगेटिव थॉट्स निकल गए तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, काम होगा और स्ट्रेस मैनेज। पॉइंट नंबर 6 टाइम टेबल। तो मैंने बचपन से लेके अब तक, मतलब मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मैंने इतने सालों तक हमेशा एक टाइम टेबल फॉलो किया है। मेरा दिन का टाइम टेबल फिक्स होता है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, दिन भर के क्या काम करने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट आज कवर करने हैं। तो अगर आप ऐसा एक टाइम टेबल बनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो सकेंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल फिक्स किया कि आज मुझे 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई करनी है 6 घंटे, उसमें हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना है, उसमें से 1 घंटा आपको लर्निंग करनी है, आधा घंटा रिविजन करना है और आधा घंटा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कूल में जो पढ़ा है वो मेमोराइज करना है, कोशिश करनी है याद करने की, ध्यान देना इस बात पे कि आपकी कौन से कंसेप्ट क्लियर है, कौन से अनक्लियर है, जो अनक्लियर है आप नेक्स्ट डे टीचर से पूछ सकते हैं। तो फिर आपको बाद में लोड नहीं आएगा कि एग्जाम के एक रात पहले, जैसे कुछ लोग बच्चे पढ़ते हैं स्टडी नहीं कर सकता, तो अगर आप पहले से टाइम टेबल बनाओगे, वो फॉलो करोगे, वो सब्जेक्ट कवर करोगे, पॉइंट्स कवर करोगे, तो आपको एग्जाम के वक्त लोड नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट हाउ स्ट्रेस इज मैनेज्ड इन स्टूडेंट लाइफ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।